हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने डेली वन वीडियोस अपलोड करने के लिए सोचा था, तो सोचा आज हम लोग पीछे जो भी वीडियोस बनाए वो सभी हम लोगों ने रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर पे बनाए। आज मेरा मन हुआ कि हम क्यों ना कुछ आपको ऑटोकैड के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये मेरे एक स्टूडेंट ने एक बहुत ही अच्छा घर बनाया बनाने की कोशिश किया। जस्ट आप लोगों ने देखा, मैंने कई लोगों देखा कि घर पे कैमरा कैसे लगाते हैं। हम लोग रेंडर करते हैं घर को, तो आप लोगों ने सीखा होगा थोड़ा बहुत रेंडर के बारे में कि रेंडर कैसे करते हैं। तो आप लोग जनरली क्या करते हो, आर आर लिखते हो और आर आर लिखने के बाद रेंडर कर देते हो, राइट। आप जब देखते हो तो यहाँ पे रेंडर व्यू आ जाता है इस घर का, राइट। बट आपको एग्जैक्ट रेंडर व्यूज देखना, अच्छे से आपके अपने घर को देखना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको कैमरा प्लेस करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये घर आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पे देखो इसने क्या कर रखा है, यहाँ का पूरा एरिया ले रखा है, इधर का पूरा एरिया ले रखा है। दैट मीन इसका फोकस नहीं है किस पे, अपने घर पे, ठीक है। बट जब आप कैमरे को प्लेस कर देते हो तो क्या होता है कि कैमरा सिर्फ और सिर्फ आपके घर पे फोकस करता है, ये सारी जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है इन सारी स्क्रीन्स को वो कवर नहीं करता, ओके। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कैमरे को प्लेस करते हैं ऑटोकैड में, ओके। तो बहुत ही मज़ेदार होता है एक्चुअली, बहुत ही कम ही लोगों को पता होता है कि ऑटोकैड में भी हम लोग कैमरा प्लेस कर सकते हैं और वॉक थ्रू बना सकते हैं ऑटोकैड के अंदर ही, और ऑटोकैड में लाइट भी बना सकते हैं। तो मैं जल्दी बहुत ही कम लोगों को पता है, बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम लोग इसमें सबसे पहले देखिए कैमरा को प्लेस करते हैं, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अगर इस पे कैमरा प्लेस करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना चाहिए विजुलाइज पे। यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि कैमरा हुआ, लाइट लगाओ ना हुआ, ये सारी चीज़ें आप इस व्यू पोर्ट के अंदर, इस रेबन पैलेट के अंदर पा सकते हो, ठीक है। जैसा कि मुझे कैमरा प्लेस करना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्रिएट कैमरा होता है, जस्ट यहाँ से क्रिएट कैमरा लेना होता है। और कैमरा लेने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे अपने कैमरे को रखना है और रखने के बाद फोकस करना है कि क्या चीज़ हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं इसमें इस घर पे फोकस है मेरा, ठीक है। मैंने इस घर पे क्लिक किया, फोकस किया और एंटर कर दिया, राइट। आपने जब इससे देखा तो आपको घर कैसा दिख रहा है इस समय आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीव्यू में। यहाँ पे आपने अगर रियलिस्टिक व्यू कर दिया तो आपको यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू दिखाई देगा, ठीक है। तो इस समय जो इस कैमरे से व्यू दिख रहा है, उस कैमरे से आपको ये व्यू ये दिख रहा है, ओके। अब इस व्यू को आपको एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट कैसे करेंगे, आपके पास यहाँ पे मूव कमांड होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे मूव कमांड से एडजस्ट करते जाओगे, आप कैमरा प्रीव्यू में देखते जाओ कि आपको कैसा प्रीव्यू चाहिए, ठीक है। अब सपोज आपको जैसे कि मुझे ये व्यू अच्छा लगा, ठीक है। अब मैं इस व्यू से मैं देख रहा हूँ तो मुझे घर अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है। बट अगर सपोज आपको इसका फोकस थोड़ा सा और बढ़ाना है, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ब्लू लाइन आएगी और उस ब्लू ब्लू लाइन को ट्रेस करिए, आराम से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू लाइन पे ट्रेस करेंगे, अभी देखिए उसको रीड नहीं कर पा रहा वो, ठीक है। तो इतना परेशान नहीं होना है, एक्चुअली क्या होता है ये 3D में है, तो 3D में आपका सिस्टम भी थोड़ा स्लो चलता है, ओके। सी अभी क्या हुआ, हमारे कैमरे के फोकस चेंज हो गया, ठीक है। अभी हमारे कैमरे का फोकस, अब मान लो इधर से बढ़ाना है तुम्हें फोकस थोड़ा सा, तो तुम ये देखो अभी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हमने कहा इतना हमें फोकस रखना है, ठीक है, जितना हमने रखना है हमने कर दिया इतना। और इतना करने के बाद हमने कहा थोड़ा सा अगर ये नीचे आ जाए तो हमारा व्यू जो होगा वो अच्छा दिखेगी चैटली। अभी देखो इस समय हमारे पास व्यू कैसा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है, राइट। थोड़ा अगर पीछे करना है तो कर सकते हो थोड़ा पीछे इस तरह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक व्यू प्लेस कर दिया इस तरह से। अब इस व्यू को प्लेस करने के बाद इससे अगर आप रेंडरिंग को कराओगे तो देखो आपको क्या रेंडरिंग मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको जितने व्यूज चाहिए अपने इस घर के, जितने व्यूज चाहिए उतने व्यूज के लिए उतने सारे कैमरे लगा लो। जैसे सपोज मैं दूसरा भी कैमरा लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्रिएट, सॉरी इट्स लाइट, सेकेंड वन इज अगेन क्रिएट कैमरा, ठीक है। हमने क्रिएट कैमरे पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से करके मैंने इधर फोकस मार दिया फिर से, ठीक है। इस व्यू से हम घर को देखने के लिए हमने इस तरह से फोकस मारा और ये हमारा क्या हो गया, कैमरा टू हो गया, ओके। अब कैमरा टू को थोड़ा सा अगर आप मूव करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको मूव कर दो, मूव कर दिया हमने, ठीक है। आप चाहते हो कि थोड़ा सा पीछे चला जाए, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको पीछे कर दो। अब यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे ब्लू लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे ब्लू लाइन है जिसको सेलेक्ट करना बड़ा ही आसान टफ जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको वायर फ्रेम में ले सकते हो, ठीक है। वायर फ्रेम में जब आप ले लोगे तो क्या होता है, वहाँ पे सेलेक्ट करना आसान होता है कंपेयर टू 3D फ्रेम। देखिए यहाँ पे अभी क्या करना है, जस्ट आप आराम से आप इसको ट्रेस कर सकते हो, ठीक है, जितना भी आपको चाहिए इसमें। तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की नीड होती है, ठीक है। आपकी जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही अच्छे तरीके से आप कैमरे को प्लेस कर पाओगे, ओके। अब चलिए देखते हैं कि हमारे कैमरे वन से और कैमरे टू से क्या क्या व्यू दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
कस्टम मॉडल भी हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको कैमरे वन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कैमरे वन से इतनी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। जब आप इसे रेंडर करोगे तो आर आर लिखना है, और आर आर लिखने के बाद या तो आप यहाँ से भी रेंडर कर सकते हो या आर आर उसकी शॉर्ट की है। यहाँ पर जैसे आपने रेंडर किया तो देखिए आपको घर कैसा दिख रहा है, वही घर जो पुराना आपको दिख रहा था अच्छे व्यू से नहीं दिख रहा था, उसी घर को जब हमने अच्छे तरीके से कैमरे को प्लेस किया तो देखिए इस तरह से उसका रिजल्ट आने लगा, ठीक है। इसी तरह से आप और भी दो तीन अच्छे अच्छे कैमरे लगा के थोड़ा सा इस पर अगर आप टाइम देते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू से आप इसको रेंडर करके इसकी 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैमरे को कैसे प्लेस करते हैं, ओके। अब दोस्तों इसी तरह से अगर आपको कैमरे के साथ ही अगर ये लाइक इफ़ यू वांट कि मुझे लाइट्स भी प्लेस करनी है, क्या प्लेस करना है, लाइट्स भी प्लेस करना है, ठीक है। तो लाइट लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऑटो कैड में, लाइट लगाने के लिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिएट लाइट, ठीक है। जैसे आप क्रिएट लाइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या पूछता है, टर्न ऑफ डिफॉल्ट लाइट, लाइक जो इसके अंदर आपको डिफॉल्ट लाइट ऑटो कैड सॉफ्टवेयर के अंदर है उसको क्या आप हटाना चाहते हो, आपने बोला यस। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको यहाँ पर मिलेगा लाइट, ठीक है। अब अगर ध्यान से आप देखो तो इस लाइट से आपको क्या क्या फोकस दिख रहा है आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक। देखिए इस लाइट से इस तरह से आपको फोकस देख रहा है, देखिए कभी कभी अंधेरे का व्यू भी काफ़ी अच्छा होता है, तो आप देख सकते हो इस तरह से ये घर आपको कैसा दिखने लगा, जो एक वाइट घर था वो घर इस तरह से दिखने लगा, ठीक है। इसको जैसे आपने मूव किया देखिए काफ़ी अच्छा व्यू आ गया इसका। अब अगर आप चाहते हो कि इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ जाए, लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ जाए, तो इंटेंसिटी से क्या होगा कि इसकी लाइट्स बढ़ जाएंगी, तो उसके लिए क्या करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटेंसिटी मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे इंटेंसिटी वन है, मैंने वन की जगह इसको कर दिया फाइव, ठीक है। जैसे फाइव किया देखिए आपको अच्छा खासा फोकस देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा अंधेरा ही अच्छा था इसके लिए, तो मैंने क्या किया इसके लिए यहाँ पे थ्री लिखा और थ्री लिखे थ्री हमने लाइट्स लगा दिया, ठीक है। अब हमने जैसे कि एक का इंटेंसिटी थ्री कर दिया, अब ऐसे ही सभी का आप इंटेंस लाइक आप सभी कॉर्नर्स पर अगर एक एक लाइट लगा दो तब तो अच्छा लगेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसी को कॉपी कर लीजिए, इसको लिया हो, इसको लेने के बाद मैंने यहाँ से एक कॉपी किया यहाँ पर, ठीक है। एक कॉपी हमने यहाँ पर किया और थो ऑफ ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आप जहाँ भी आप चाहोगे वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर पहले लगा दीजिए फिर मूव कर लीजिएगा। अब कुछ अगर आप चाहते हो कि घर के अंदर भी थोड़ी वो लाइट्स दिखें आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पर अच्छी अच्छी लाइट्स प्लेस हो जा रही हैं, ठीक है। तो घर के अंदर भी अगर आप लाइट्स लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, तो उससे क्या होगा आपके रेंडर में और भी अच्छा रेंडर होने का वो रह हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपने इसको क्या किया, अब जैसे आपको इसको एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करने के लिए क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके सपोज इसको आप इतना हाइट देना चाहते हो, ठीक है, ऑर्थो ऑन कर लीजिए, ठीक है। आपने कहा मुझे इतनी हाइट देनी है, तो आप देखिए इस हाइट पर आपको एक अच्छा सा लाइट मिल गया, ठीक है। ऐसे ही सभी लाइटों को आप एडजस्ट करिए, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास एक लाइट ये है, ठीक है, इस लाइट को भी हमने क्या किया इस तरह से, ऐसे ही आपके पास एक लाइट ये है, तो अभी आपको भी इसको भी मूव करना है थोड़ा सा, आप मूव कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा टाइम दीजिए इन लाइटों पे, और थोड़ा सा टाइम देके आप बहुत ही अच्छी तरीके से लाइट्स को मूव कर सकते हो, ठीक है। और मूव करके अच्छा अच्छा लाइट को फोकस देके तब आप रेंडर को करोगे तो कहीं आपको उससे जो आपका पुराना था लाइक आपका जो प्योर वाइट घर था उस घर से अच्छी लाइट्स यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके जो अंदर आपने एक लाइट डाला हुआ है वो लाइट भी देखिए यहाँ पे लाइट वो जल रही है, ठीक है, वो लाइट यहाँ पे फोकस कर रही है। तो क्या हो रहा है कि आपको इनर से जब अंदर से लाइट अच्छी अच्छी जलेंगी, ये देखिए यहाँ पे जल रही लाइट, तो जब लाइट अच्छी अच्छी जलेगी तो फिर आपको घर देखने में और भी अच्छा लगेगा, जैसे कि ये फोकस कर रहा है ये फोकस, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लाइट्स को अच्छे अच्छे लाइट्स को प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद फिर रेंडर करिए और अपने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ लीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा कि किस तरह से हम लोग कैसे हम लोग वो लाइक कैमरे को सेट करेंगे और कैमरे को सेट करने के बाद किस तरह से हम लोग लाइट्स को प्लेस करेंगे। आप देख सकते हैं लाइट आपने प्लेस किया और कैमरे को प्लेस किया, ठीक है। अब अगर लाइट और कैमरे के बाद बात आती है किसकी, वॉक थ्रू की, ठीक है। तो दोस्तों वॉक थ्रू को मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगा, ठीक है। होप अगर आपको समझ आया हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करो दोस्तों। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता आया हूँ कि अगर जिसने भी पहली बार इस वीडियो को देखा है प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जुड़ो। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑटोकैड, स्टैड प्रो, रैबिट, 3ds Max एंड टेक्ला एंड मेनी अदर सॉफ्टवेयर जो भी सिविल इंजीनियरिंग के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं सब पे एक एक ट्यूटोरियल बनाता रहूंगा और आपको आपके पास तक पहुंचाता रहूंगा, जैसा कि मैंने आज के लिए प्रॉमिस किया। आज का प्रॉमिस मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने आप लोगों को एक वीडियो तैयार करके दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि एडिट करने में बहुत ही टाइम जाता है। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीट।